अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज का जो दिन था वो क्लब में सफाई का था। जैसा कि आपने देखा कि आज हम कारपेट जो है वॉश कर रहे थे, ताकि मंडे से फिर हम जो है वो नीचे मैट डाल के कारपेट को लगा के फिर हम गेम करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज आपको बता दें, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता, अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि जो पंचिंग बैग होता है, जिसको हैवी बैग कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यानी हैवी बैग के अंदर क्या होता है। तो अक्सर ये सवाल लोग करते हैं जो नए आते हैं, बिगिनर्स होते हैं, या जिनके पास कोई एकेडमी क्रीम नहीं होती, तो वो घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो ये जो ऊपर ये वाला कवर होता है, ये बैग होता है, ये बैग आपको किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप से मिल जाता है, आसानी मिल जाता है। ये लेदर का होता है, लेदर का आप लेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ भरी जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें रेत डाल देते हैं। अब रेत से क्या होता है कि रेत जब इसमें पड़ती है तो जब दब जाती है नीचे, तो वो पत्थर बन जाता है। जब वो पत्थर बनता है तो अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है, हाथ के ऊपर, फुट के ऊपर इंजरी हो जाती है, आपका कोई फिंगर भी उसमें जो है डैमेज हो सकती है। तो रेत नहीं डालनी किसी भी हैवी बैग के अंदर, आपने रेत नहीं भरनी, वो पत्थर बन जाता है। जैसे जैसे वो दबती है नीचे, वो पत्थर बन जाता है। हैवी बैग के अंदर क्या चीज़ होती है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। इसमें लकड़ी का भूरा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का भूरा है जो इसमें भरा जाता है। ये इसके ऊपर मैंने मोटे वाला भूरा डाला हुआ है, जो कि अक्सर लकड़ी की शॉप से, जहाँ पे लकड़ी का काम हो रहा होता है, फर्नीचर बन रहा होता है, वहाँ से उनके पास ये इकट्ठा हो जाता है। ये बोरी भर के वो आपको दे देंगे, ये आप इसमें भर सकते हैं। ऊपर ये मोटा भूरा होता है, इसके नीचे बारीक भूरा होता है, नजर आ रहा है। तो ये भूरा इसके अंदर भरा जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर किक या पंच करते हैं तो आपका हाथ या किक आपकी डैमेज नहीं होती। इसके अंदर जो ये भूरा भरा होता है, वो ऊपर जो हमने रखा होता है वो थोड़ा सा मोटा भूरा होता है, जो नीचे होता है, यहाँ से नीचे होता है, वो बारीक भूरा होता है। वो बड़े वाली जो बोरी होती है 40 किलो वाली, तो आप भर के लाएंगे तो ये सैंड बैग में आएगी ये, क्योंकि जब आप डालेंगे तो वो दब जाएगा नीचे, उसको और नीचे करने हैं। तो जब आप इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं कि क्या पंच लगती है, तो वो भी बैठना शुरू हो जाता है नीचे, तो वो फिर इतना हार्ड हो जाता है कि आप जब कि क्या पंच करते हैं तो वो आपकी कंडीशनिंग करता है किक की, आपकी किक और पंच जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर ट्रेनिंग करने से आपकी किक और पंच बनता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हैवी बैग होते हैं। ये जो मेरे पास जो हैवी बैग यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी चौड़ाई आप कर लें कि वो तकरीबन इतनी होगी, 4-1 फुट कर लें, वो 1 फुट होगी। इसमें 2 फुट वाले भी आते हैं, उससे बड़े भी आते हैं। और ये सवाल अब कोई नहीं करेगा, हैवी बैग के अंदर क्या भरा हुआ होता है। तो आज हम कारपेट धो रहे हैं, इसके नीचे हम मैट डालेंगे। सबसे पहले कारपेट धुली थी, कारपेट बहुत गंदी हुई थी, वो हमने वॉश करनी है। तो फिर नीचे मैट होगा, ऊपर हमने कारपेट डाल दी है। तो आज क्लब में गेम नहीं होगी, तो आज सफाई डे है, इसलिए हम कारपेट प्रिपेयर करेंगे ताकि मैट के ऊपर डालें। फिर बच्चे जब गेम करते हैं, किक करते हैं, गिरते हैं, तो उनको चोट नहीं लगती, चांसेस कम होते हैं लगने के। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो इतनी मेहनत से हम आपके लिए ये ट्यूटोरियल्स लेके आते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले।